अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। की दूसरी सहरी है और टाइम बहुत कम बचा है, मुझे उठने में देर हो गई, तो मैं झटपट एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो जब देर हो जाए तो जल्दी से बना लीजिएगा। देखिए, मैंने लिए 2 अंडे, इसमें डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें काट के डाल देंगे, और एक हरी मिर्च डाल देंगे बारीक काट कर, इसे भी हम। तो देखिए, मैं इस तरह से इसको चार कर लूँगी। इस समय बहुत ही बारीक बारीक काट कर डालिएगा, ज़्यादा मोटी मत डालिएगा। देखिए कितनी बारीक बारीक डाल रही हूँ मैं, बस इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, इस पे डालेंगे तेल, ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 छोटे चम्मच डाले। अब इसे अच्छे से फैला लेंगे पूरे पर। अब इसे अच्छे से फैला लेंगे पूरे पर। देखिए, मेरा दिल चाह रहा था तो मैं अंडे में थोड़ा सा चाट मसाला भी मिला दे रही हूँ। अब इस पे डालेंगे, इस टाइम पे देखिए गैस को ऑफ कर दिएगा, पहले इसको फैला लिएगा सब तरफ। अच्छे से सब तरफ फैला लिएगा, ये देखिए पूरे पे मैंने फैला लिया इसे। अब गैस को ऑन कर दिएगा, लेकिन फ्लेम को जो है वो लो रखिएगा। देखिए, अब हम अंडे पे लगा देंगे मेयोनीज, बस एक साइड पे ही लगानी है हमें। जब ये धीरे आंच पर पक जाता है तो ये किनारों को अपने आप छोड़ देता है, तो मेयोनीज फैला लेंगे। थोड़ा सा डाल लेंगे टमाटो केचप, बस अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जैसा पसंद करती हैं वैसा डालिएगा। थोड़े से ऑरिगेनो, अब ना हो तो मत डालिएगा, इसकी जगह आप काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकती हैं। थोड़ी सी ब्रेड को मैंने इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लिया है, वो इसमें डालेंगे। पूरे पर डाल दिएगा अच्छे से, अब इस पे भी मेयोनीज डाल देंगे। थोड़ी मेयोनीज डालिएगा, आप थोड़ा सा टमाटो केचप भी डाल दीजिए इसी तरह से। इसके ऊपर डाल देते हैं चीज़, फिर थोड़ा सा डालती हूँ ओरिगैनो। थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डालिएगा, बहुत कम, चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते। थोड़ा सा नमक डालिएगा ऊपर से, क्योंकि ब्रेड में नमक नहीं है। अब देखिए, ये अंडे को उठाएंगे और इस तरह से इस पे रख देंगे। बस देखिए, 1 मिनट तक के इसे ऐसे ही पकाना है और बस रेडी है ये। तो चलिए, अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए, बहुत आराम से निकल आता है ये। देखिए, रेडी है ये। जिस तरह से देखने में लग रहा है, उसी तरह से खाने में भी होगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा।